साउथ पंजाब को बाख्तियार करने की तरफ पहला कदम। हुकूमत पंजाब की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का साउथ विंग मुल्तान में कायम होगा। दफ्तर की जगह तलाश करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। बहावलपुर डिवीजन के 16 बड़े मंसूबों में फुटबोर्ड 2 अरब 94 करोड़ की लागत से तामीर होने वाला वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मंसूबा सर फहरिस्त। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा जहां भी करप्शन होगी भरपूर कार्रवाई करेंगे। सादिकाबाद में गलन माइंस के मुकाम पर पड़ने वाला शगाफ कई घंटे गुजरने के बाद भी पुर न हो सका। शगाफ पुर करने का काम सुस्तरवी का शिकार। पानी करीबी आबादियों में दाखिल, लोग घरों में महसूस। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का सफाई के बारे में शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम फाल करने का हुक्म। सूरत कुंद रोड पर शगाफ पुर करने की हिदायत कर दी। डीसी ने कहा हुकूमत पंजाब सेवरेज के नए मनसूबों के लिए फंड तलब करेंगे। उस शरीफ में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक जबकि पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद असद जख्मी हुआ। मुल्तान जिले के तहरी में वकला की हड़ताल। वकला बरादरी की जानब से हर जुमे को अलहदा सूबे के हसूल के लिए हड़ताल का सिलसिला जारी। वकला का अपने मुतालबे की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का फैसला। सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालिका के खिलाफ नाहली की दरख्वास्त हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने फ्री कैंट को 12 अक्टूबर को तलब कर दिया। रहीम जखाम में ख्वाजा फरीद कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल अब्दुल रहमान के एजाज में अलविदाई तकरीब। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल भट्टी समेत मुतादिद प्रोफेसर की शिरकत। प्रोफेसर अब्दुल रहमान की खदमात को सराहा। मुल्तान में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जरिए तमाम तकरीब शहरियों को बीमा पॉलिसी के बारे में आगाही दी गई। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की तकरीब में खसूस शिरकत। बेवा खवातीन में चेक तकसीम किया। और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप में इजाफा करना अव्वलीन तरजीह है। सदर खवातीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीरत फातमा का चैम्बर के सालाना इजलास में खिताब। कहा ब्रीडिंग के लिए सीट किए गए स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे।